वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं नमक पारे बनाऊंगी। होली पे नमक पारे जरूर लोग बनाते हैं, नमकीन है होली पे लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो मैं कई तरह का नमकीन डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आलू भुजिया, मिक्स नमकीन और सेव नमकीन, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये नमक पारे बनाने के लिए मैं मैदा ले ली हूँ जो छान ली अच्छी तरह से। आप अपने जरूरत के हिसाब से मैदा ले लें। ये हमारा 150-200 ग्राम मैदा है और इसमें हम सूजी डाल देंगे। 2 चम्मच सूजी है, इससे अच्छा कुरकुरा होता है। और ये करी पत्ता है, बारीक काट लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तेल में फ्राई होने पर। आप अगर मिल जाए तो ज़रूर डालें। अजवाइन है, इसे हम थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे डालने पर। और ये घी है, इसको हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच। टेस्ट अनुसार हम नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट अनुसार डाल लें। और हम ये सब मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें हम घी डालकर नमक और करी पत्ता अजवाइन सब मिक्स कर लिए। ऐसे आप मोयन लगाएं बढ़िया से इसमें, तो बहुत खस्ता नमक पारे बनेंगे। और ऐसे होना चाहिए, ऐसे मुट्ठी बन जाए। इतना ही डालें, ज़्यादा डालेंगे तो तलते समय टूट जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार कर ले रहे हैं। आटा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इस आटे को हम ऐसे मसल मसल कर एकदम टाइट डो लगा लिए और इतना मसले कि बिल्कुल चिकना हो जाए इस तरह से। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। थोड़ा सा सूजी और मैदा फूल जाएगा तब हम बनाएंगे। आटा के रखे हमें 20 मिनट हो गया, चाहे 20 मिनट हो जाए या 1 घंटा 1.5 घंटा, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन कम से कम तो 20 मिनट या आधा घंटा तो रखना ही है, नहीं तो बेलने में दिक्कत होगा। इस आटे में हम 3 लोइयां बड़ी बड़ी बना लेंगे हम, और बाकी के लोई ढक के रख देंगे। इसको हम अच्छी तरह गोल करके रोटी की तरह बेल लेंगे। इसको इस तरह थोड़ा बढ़ा के और हम इस चकले के बराबर इसको बेल लेंगे इस तरह से। इस तरह आप इसको बेल लें और रोटी की तरह, जैसे रोटी बनाते हैं। तो अब इसको हम किनारे किनारे से चारों तरफ से इस तरह से काट ले रहे हैं, चौकोर कर लेंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, बेलने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब हम इसको पतला पतला काट लेंगे, बहुत चौड़ा नहीं करेंगे इस तरह से। अब इस तरह घुमा लेंगे, फिर ऐसे डायमंड शेप में हम इसको काट लेंगे इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे हम जितना नमक पा रहे हैं बना लेंगे। सारा हम उठा लिए, हम एक बार देख ले रहे हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो गया है, इसे मीडियम से थोड़ा कम आंच करके तलें। इस तरह से डाल देंगे हम इसको और इसको थोड़ा सा खोल देंगे। और मीडियम से थोड़ा कम गैस का फ्लेम करके इसे तलें। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे पलट पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे गया, इसमें अच्छा कलर आ गया, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से जितना नमक पा रहे हैं हम सारा बना लेंगे। इसको जो एक्स्ट्रा तेल है इसमें हम निकाल लेंगे। अब इसमें ले रहे हैं, दोबारा से हम डाल दे रहे हैं। गैस मीडियम रखें और इसे ऐसे चलाते हुए थोड़ा खोल दें। इसे भी हम सेक लेंगे, इसे भी हम तल लिए, भी पक गया, निकाल लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। होली में आप ज़रूर बनाना, कितना कुरकुरा है।
हम सारा तल के तैयार कर लिए, इसमें पलट लेंगे। थोड़ा सा इसमें हमें लाल मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये चाट मसाला है जो हम घर पर ही तैयार किए थे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कुरकुरी। होली पे आप ज़रूर बनाना। कितना अच्छा बना है, डायमंड शेप में हम काटे हैं। आप चाहें तो बड़ा भी काट सकते हैं, जैसे लाइक करें वैसे आप काट लें इसे। और इसमें चाट मसाला या जो आपको पसंद हो, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लें। बहुत टेस्टी है ये खाने में, बिल्कुल कुरकुरा है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है कुट कुट की। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन बटन दबा लें ताकि नई रेसिपी आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच जाए।